बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अक्सर भाई मुझे कमेंट करते हैं, मैं हालांकि आप भाइयों को इसके मुताबिक पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ बहुत सी बातें, लेकिन कुछ बातें चलो रह जाती हैं कि भाई मुझे अक्सर कमेंट करते हैं। आज भी मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई इकामा खत्म है या खत्म है, यानी कि एक या दो या तीन है, तो भाई घर वापस वतन कैसे जा सकते हैं। तो मैं इसके मतलब अपनी मेरा पिछली वीडियो में भी थोड़ी तफसील आपको बता चुका हूँ, लेकिन वो आपको मैं बता चुका हूँ कि आप भाई अपने पैसे जो आपके कंपनी वगैरह के पास हैं वो आप साथ में कैसे उनसे लेकर जा सकते हैं। तो भाई इकामा ख़त्म है, छोटी सी अपडेट है आपको यहीं पर दे देता हूँ। सिंपल सीधी सी बात है जी, या तो आपको शुरता पकड़ लेगा दौरियत वगैरह, वो आपको जेल में रखेगा तरहील के थ्रू जिसे बोलते हैं, आपको भेज देगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे दौरियत वगैरह या शुरता वगैरह ना पकड़े, मैं जेल में ना जाऊं और सिंपल से कुछ और तरीके से चला जाऊं, तो और तरीका भाई ये है कि आप सफारे जाएं, पाकिस्तान या इंडियन सफारे, वहां पर जाकर अपना पेपर जमा करवा दें। लेकिन आपकी कंपनी रेड होनी चाहिए, ये अपने जहन में रखिएगा। अगर कंपनी रेड नहीं है, कंपनी ग्रीन है, फिर आपका पेपर ही जमा नहीं होगा और आपको मकतबे अमल भेज दिया जाएगा। तो मकतबे अमल में आप जाकर अपना एक छोटा सा केस होता है जी, वो सिंपली बिल्कुल इजी तरीके से हो जाता है, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है इसमें। ये पाकिस्तान नहीं है, ये सऊदी अरेबिया है। वहां पर आप केस कर सकते हैं अपने कफील के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, कि भाई मैंने खरूज जाना है, ये मेरा खरूज ना छुट्टी लगा रहा है, ना खरूज लगा रहा है, ना ही कामे लगा रहा है। तो वो दो तीन माह चार माह के अराउंड में उस चीज का फैसला हो जाता है, शायद इससे पहले हो जाए, मैं एक आपको अंदाजा बता रहा हूं। तो वहां से आपका फिर या तो आपका कफील छुट्टी लगा देगा इकामे लगाकर, या आपके इकामे लगाकर आपके साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह की बात करेगा, या आपका भाई वो खरूज लगाएगा, जैसे भी लगाए वो दाल तो उसके उससे खुद करवाएगी, जो भी करवाएगी, और आपके पैसे वगैरह भी आपको मिल जाएंगे जो उसके पास होंगे। ये एक तरीका है जी, ये मैंने आपको दो तीन तरीके बता दिए, यानी कि एक तो आप पकड़े जाएंगे तरहील के थ्रू, दूसरा सफारतखाने के थ्रू, तीसरा मकतबे अमल के थ्रू। अभी तक ये तीन तरीके ही हैं, चौथा तरीका एक और है, लेकिन वो मैं बताता भी नहीं हूँ और उस पर अमल भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए।